दोस्तों, यह जीबी रोड नई दिल्ली का वीडियो है। यहाँ पर ये लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पर इन्हें रुकना पड़ता है। यहाँ पर ये लोग केवल अपने भारत के ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश जैसे कई कंट्री के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। इन लोगों की सारी ज़िंदगी इन्हीं छोटे छोटे कमरों में ही बीत जाती है। अगर हम यहाँ की लोकेशन की बात करें तो आपकी यहाँ की लोकेशन हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अक्सर ये देखा गया है, यहाँ पे कई लोग जाते हैं और जो यहाँ के दलाल होते हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं और उनके साथ लूटपाट भी हो जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की लोकेशन, ये कहाँ पर जेबी रोड है। दोस्तों, अगर यहाँ की लोकेशन की हम बात करते हैं तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आप रेलवे स्टेशन से जैसे ही थोड़ा बाहर निकलेंगे वहाँ से आपको एक चौराहा दिखेगा। उसी के थोड़ा आगे चलेंगे तो वहीं से आपकी जो जीबी रोड होती है वो स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जब इस गली में चलेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर दलाल देखने को मिल जाएंगे। उनके चक्कर में कभी भी फंसना नहीं, वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो वहाँ के लोकल हों, और आपसे बात करते करते वो आपसे ये पूछेंगे कि 64 नंबर कहाँ है, क्या आपको पता है क्या। वो आपको अपनी बातों के झांसों में लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों पे नहीं फंसना है। अगर आप उनकी बातों में फंस जाते हैं, अगर कभी भी उनके साथ जाते हैं तो आपके साथ ये कन्फर्म है कि लूटपाट हो जाएगी। वो आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर कोई नहीं होगा और आपके पास जो भी आपके पास सामान होगा, यानी कि पर्स हो गया, मोबाइल हो गया, उन सभी सामानों को आपसे छीन लेंगे। और आप वहाँ पे किसी को जानते भी नहीं हैं तो आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो केवल यही इन्फॉर्मेशन देना है मेरा कि अगर कोई भी वहाँ पे जाता है तो इन लोगों से बिल्कुल सावधान रहना, नहीं तो ये आपको वहाँ पर लूट लेंगे। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 64 नंबर है उसका क्या कहते हैं कि यहाँ का लाइसेंस है। वहाँ पे काफ़ी लोग जाते भी हैं और ये भी माना जाता है कि यह यहाँ का सबसे सेफ है। तो अगर कोई भी अगर जाना चाहता है तो इसी में जा सकता है और यहाँ पे किसी भी दलाल के संपर्क में उसे नहीं आना है। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाओ, मैं केवल ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कई लोग यहाँ पे जाके फंस चुके हैं। तो मेरा मकसद केवल ये इन्फॉर्मेशन देना है कि किसी के साथ कोई भी अगर जाता है तो उसके साथ लूटपाट ना हो वहाँ पर। आइए आपको वहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ, वहाँ के अंदर लेके चलता हूँ, कैसा माहौल रहता है वहाँ का। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको भी आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।